मथुरा थाना कोतवाली पुलिस व शॉर्ट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 720 ग्राम कोकीन सहित चार अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा पकड़ी गई कोकीन की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे नशा कारोबारियों के खिलाफ सर्च अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस को चेकिंग के दौरान गोवर्धन चौराहा पर एक बाइक पर सवार चार लोगों को रोका गया है, जिनकी तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से एक अवैध रूप से कोकीन बरामद हुई है, जिस पर थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चारों कोकीन तस्करों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से विधिवत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान एसपी श्री राजेश कुमार ने पत्रकारों को दी। देखिए, कोतवाली और कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम द्वारा एक बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है जनपद मथुरा के लिए। जनपद मथुरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एसएसपी महोदय द्वारा जो अभियान चलाया गया है, ये चुनाव को बिल्कुल भयमुक्त और निष्पक्ष कराएंगे। उसमें कुछ अपराधियों द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसी के तहत चार बदमाश पकड़े गए हैं, जिनसे 720 ग्राम कोकीन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू 60 लाख रुपए है। गोवर्धन चौराहे से गिरफ्तार किया।